छात्रों, कक्षा 10 के लिए जो हमारा पिछला वीडियो आया था समास का, उसमें हमने समास के जो 5 भेद हैं उन 5 भेदों के बारे में पढ़ लिया था। और हमारा जो अंतिम भेद था बहुव्रीही समास, ये बहुव्रीही समास उसमें रह रहा था। बहुव्रीही समास का जो 6ठा भेद है उसको हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं, और इसके साथ साथ इस वीडियो में आप वाच के बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे कि वाच क्या होता है और वाच के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बहुव्रीही समास, और बहुव्रीही समास की परिभाषा कि समास के समस्त पद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। पहली विशेषता तो इसकी ये कि इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दूसरा, इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात जो सामान्य अर्थ पदों का निकल रहा है उसकी प्रधानता नहीं होकर के अन्य अर्थ की प्रधानता होती है। आगे, इसमें विग्रह करने पर विग्रह के अंत जो पद होता है, विग्रह पद, उसके अंत में वाला है, वाला है, जो, जिसके, जिसकी आदि शब्द आते हैं। कैसे आते हैं ये उदाहरण के तौर पर हम यहां पढ़ेंगे। जैसे दशानन, ये तो हो गया इसका क्या समस्त पद। अब देखिए, मैं इसको यहां से थोड़ा सा मिटाल रहा हूं, यहां तक इसको उतार लीजिए आप, उसके बाद मैं ये बताता हूं। दशानन, दस आनन है जिसके वह है। अब देखिए, इसमें विग्रह करने पर ही यह हमारा समस्त पद हो गया, और यह विग्रह पद हो गया। विग्रह पद में विग्रह करने पर, विग्रह को जो हम गौर से पढ़ते हैं तो इसका सामान्य अर्थ नहीं निकल करके अन्य अर्थ निकल रहा है कि दस आनन हैं जिसके वह, अर्थात अन्य पद में जो अन्य अर्थ है वो रावण निकल करके आ रहा है। पीतांबर पीत हैं अंबर जिसके, अर्थात विष्णु चक्रपाणि चक्र है पानी में, पानी पानी के, यहां देखिए
वाणी का मतलब होता है हाथ, चक्र है पानी में, जिसके वह अर्थात विष्णु। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिनका विग्रह करने पर सामान्य अर्थ न निकल करके अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थात अन्य अर्थ निकल करके आता है, ऐसे पदों में बहुव्रीही समास होता है। तो ये आपका बहुव्रीही समास हुआ। अब हमारा जो बिंदु अगला जो चलेगा वो अगला बिंदु है हमारा वाच्य। क्या है? वाच्य। और वाच को लेकर के हम चल रहे थे। अब देखिए वाच में, वाक में प्रयुक्त क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है, किसके अनुसार है, इसका बोध कराने वाले जो कारक हैं, कारक का मतलब कारण, जो कारण है, जो कारक है, वो वाच्य कहलाते हैं। तो इस आधार पर वाच्यों को तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? तीन भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाच्य के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। इस तरीके से वाच्य के ये तीन भेद हुए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम एक एक को लेकर के चलेंगे और उसमें पहला जो हमारा वाच्य है, पहला जो भेद है वो है कर्तृवाच्य। और कर्तृवाच्य को लेकर के हम चलेंगे कर्तृवाच में। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लेकर के चलेंगे। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध जब कर्ता से होता है
अर्थात अर्थात क्रिया के लिंग वचन अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं तो देखिए कर्तृवाच वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध जब कर्ता से होता है। कहने का तात्पर्य कि क्रिया के जो लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं वहां पर क्या होता है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो दोबारा से सुन लीजिए कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध जब कर्ता से होता है अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे लड़कियां दूध पीती हैं लड़कियां दूध पीती हैं। ये वाक्य हमारे पास है लड़कियां दूध पीती हैं। अब इसमें देखिए पीती हैं ये क्रियापद है। इस क्रियापद का जब सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है तो कर्ता कौन कार्य को करने वाले अर्थात लड़कियां अर्थात कौन लड़कियां। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया का जो लिंग है या वचन है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। तो यहां पर देखिए जो ये लड़कियां शब्द है ये बहुवचन है तो यहां पर जो क्रिया है वो क्रिया भी क्या है पीती हैं अर्थात इसका वचन है वो भी क्या है बहुवचन है। तो इस तरीके से जब क्रिया के अनुसार क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुआ हो वहां पर कर्तृवाच्य होता है वहां पर कर्तृवाच्य होता है। अब दूसरा आता है आपके कर्मवाच्य। क्या आता है कर्मवाच्य।
दूसरा है आपके कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य के अनुसार वही जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, कर्म से होता है अर्थात क्रिया के लिंग वचन नहीं अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार नए होकर कर्म के अनुसार होते हैं उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें यहां पर एक बात नोट कर लीजिए, नोट कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक सकर्मक क्रियाओं का ही होता है। हमेशा सकर्मक क्रियाओं का ही होता है। जैसे राम ने पुस्तक
पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य है हमारा। तो देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लीजिए और परिभाषा के अनुसार हम उदाहरण को यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। अर्थात क्रिया का जो लिंग वचन है वो कर्ता के अनुसार न होकर, किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार न होकर किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार होता है। तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो देखिए राम, राम यहां पर हमारा क्या है? कर्ता है। क्या है? कर्ता है। और पढ़ी क्या है? क्रिया है। पढ़ी क्या है? क्रिया है। और जो पुस्तक है, ये पुस्तक क्या है? पुस्तक है यहां पर कर्म। अब हमें इसे समझना है कि यहां पर पढ़ी क्रिया है और इस क्रिया का लिंग वचन राम के अनुसार न होकर के, अब देखिए यहां पर तो राम पुल्लिंग है और यहां पर पढ़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। राम एक वचन है जबकि पढ़ी शब्द है वो बहुवचन में भी काम आता है, बहुवचन में भी प्रयुक्त होता है। तो ये राम के अनुसार न होकर के किसके अनुसार है? कर्म पुस्तक के अनुसार है कि राम ने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी? पुस्तक। पुस्तक के अनुसार इस क्रिया का लिंग और